हाय एवरीबॉडी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि हम चैप्टर ओपन कर चुके हैं अपना फर्स्ट फिजिक्स का, क्लास 12 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक न्यू टॉपिक है, नई चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत हो सकती है आपको जानकारी हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि बल्कि इसी चैप्टर से बल्कि नेक्स्ट चैप्टर से भी रिलेट करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है किसी भी एक चार्ज के, सपोज कर ले ये मेरा चार्ज है और इसके पर्टिकुलरली एक इसका स्पेस होगा, तो उस चार्ज में जिसमें कि दूसरा चार्ज, मतलब इस चार्ज से अलग दूसरा चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए इस चीज़ को, कहा गया है सिंपल सी भाषा में समझिए कि किसी भी चार्ज के अराउंड उसका एक एरिया, जैसे कहते हैं ना अपनी छे, इस एरिया का तो बस मालिक यही है। तो मतलब इसके रीजन में जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये हमने चार्ज रखा है तो इसकी हम स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ से उस पर फोर्स लग रही है चार्ज के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यू, स्मॉल क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज की आपको कुछ प्रॉपर्टीज जान लेनी जरूरी होगी, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर सेकंड, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नंबर थर्ड कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने के कारण जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टेस्ट चार्ज का, वो अफेक्ट नहीं करता किसके, अफेक्ट नहीं करता सोर्स चार्ज को। देखो ये होता है सोर्स चार्ज और ये होता है टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अफेक्ट नहीं कर पाता इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यों, जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स निकालनी है जो इस चार्ज पर एग्जर्ट हो रही है और जो कि हम चार्ज ला रहे हैं, और जो इसका रीजन है वो मान लीजिए ये है, ठीक है। लेट कंसीडर, तो ये जो क्यू चार्ज है इसके हम पास लाते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लाते हैं टेस्ट चार्ज को जो कि आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो जो इस पर फोर्स एग्जर्ट होगी टेस्ट चार्ज पर वो एफ इजिक्वल्स टू क्यू ई होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण। तो हम यहाँ से क्यू नीचे चले जाएगा तो एफ अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने पीछे कूलम्स लॉ हम पढ़कर आए थे, फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्यू आया बेटा जी, के को ही हम 1/4πε0 कह देते हैं, ठीक है। और क्यू एक चार्ज और दूसरा चार्ज, ठीक है। मैंने मैग्नीट्यूड बताया था उन दोनों चार्ज का, ठीक है, प्रोडक्ट करके। तो वही चीज़ हमने की अपोन में आर स्क्वायर और अपोन में क्यू था। तो जब आप देखोगे इसका रेसिप्रोकल करके देखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, या आप डायरेक्टली इससे कटआउट कर सकते हैं, तब भी कट होगा ये। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के क्यू अपोन आर स्क्वायर, और जैसे कि मैंने बताया हम के को 1/4πε0 लिख सकते हैं क्यू अपोन आर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है। क्या होती है? हमारी एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है, ठीक है। हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है? ऑलवेज विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में जाता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम दूसरी भाषा में लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो इमेजिनरी कर्वड और स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, मतलब कि ये हमने एज अ इमेजिन की हुई होती है, ठीक है। वो कुछ इस वजह से होती है कि यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर उसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फिगर देखेंगे जिससे हमें और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखना चाहते हैं ड्यू टू सिंगल चार्ज। अब सिंगल चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, जब Q इज ग्रेटर देन जीरो, देखो आपको सिंपल से ऐसा भी कह सकता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू द चार्ज Q ग्रेटर देन जीरो। तो इसका सिंपल से आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो यदि चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने आपको अभी बताया
कि जो पॉजिटिव क्यों है वो देखें। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से क्या होगा, एमिट होगी, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी। सिमिलरली यदि मैं केस सेकंड लेता हूँ जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्यू इज लेस देन जीरो, इसका मतलब आपको सिंपल सा समझ लेना जरूरी है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब जब चार्ज आपका नेगेटिव है तो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम या ऑलवेज एमिट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे सिंपल सा आपका नेगेटिव में क्या होगी, एंटर होगी, ठीक है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको ऊपर चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि ये पर्टिकुलर आपकी लाइन है इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम ये देखने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पेयर ऑफ चार्ज के कारण, तो पेयर ऑफ चार्ज के कारण कैसे होगी, देखो मैं लेट कंसीडर कर लेता हूँ कि दोनों ही जो मेरे पास चार्जेस हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव होती है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड से मूव होगी, ठीक है, पॉजिटिव साइड से मूव हो रही है, ठीक है। अब देखो एक ये ऐसे क्यों नहीं हुआ कि सीधा जाके इधर चली गई या सीधा उधर चली गई, देखो ये रिपल्शन के कारण। अब दोनों ही जब आपके पास दोनों ही सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो क्या होगा, रिपल्शन अगर होगा, तो दोनों में जब रिपल्शन अगर होगा तो देखो ये ना इधर आने देगा या ना इधर आने देगा, तो ये बीच में मीट नहीं हो रही, ये बेसिकली कुछ इस टाइप से है। देखो आपकी जो लाइन्स हैं वो कुछ इस टाइप से जा रही है, ये इधर मूव हो गई और ये आपकी इधर मूव हो गई, बीच में गैप है तो इस तरीके से मूव हो रही है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब केस फोर्थ लेते हैं, तो केस फोर्थ में आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उन चार्जेस के लिए, जब हम एक पेयर ऑफ चार्ज लेते हैं व्हेन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी एमिट हुई पॉजिटिव चार्ज से वो एंटर होगी नेगेटिव चार्ज में, और इस तरीके से ध्यान से रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज में एंटर हुई। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब भैया दो टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, कौन कौन से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां पर एक आपके पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेरी नहीं करता, एज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी रहती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ पर आपकी एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपका जब हम मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे वो वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो वो पैरेलल लाइंस दिखती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब इक्वी डिस्टेंस पर एक ध्यान देना, यदि इतनी है बीच में इनका सेम रहेगा, मतलब पैरेलल हमें यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म के कारण आपको कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है, नॉन पैरेलल दिखती है, वहां पे आपको यूनिफॉर्म में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती है और आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पैरेलल दिखती है। अब ये इस टाइप से भी क्या, ये आपको इस टाइप से भी दिख सकती है, ठीक है, ये किसके कारण है, आप देखोगे कि ये सब इधर आने लग रही है, इसका मतलब यहां पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज है। अब ये सारी यदि मैं साइन कुछ आपका इस टाइप से बना देता हूं, देखो तो ये क्या शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, ये कर रही है कि यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसका मतलब आपका यहां पर कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब चीज क्लियर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी पढ़ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक, क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती है, मतलब हमने खुद इमेजिन करी होती है, इमेजिनरी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक क्या पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, तो वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो अभी हम यूज़ करते आ रहे थे उसकी जब हम फिगर ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एमिट्स तो होती है, मतलब निकलती तो है पॉजिटिव चार्ज से लेकिन एंटर करती है नेगेटिव साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे बारे में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, अब भैया ऐसा नहीं हो सकता
यहाँ से देखिए इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे इफ दे इंटरसेक्ट देन देर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन आर पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट एंड इट इज नॉट पॉसिबल। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यदि ये इंटरसेक्ट करेगी तो देर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी और जो कि पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, आपकी केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, इसी कारण से आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट चीज आती है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपको दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है और बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, मतलब कि कहने का मतलब है यदि आपको कुछ इस टाइप से दिखती है कि आपको पास पास बिल्कुल पास पास दिख रही है, एक है कि ये दिख रही है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू विद दैट। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, मतलब यदि आपका सरफेस कंडक्टर का हम बात करें तो वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। आप इससे मदद ले सकते हैं फिगर से, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती है, ठीक है, एमिट होगी मतलब यहाँ से निकलेगी और कहाँ पे एंटर करेगी, नेगेटिव चार्ज में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हुआ इंडक्शन। ठीक है, कि यहाँ पर हमने चार्ज रखा और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए और यहाँ पर कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अभी मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी, और अभी मैंने बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये सारी ही लाइंस आपकी क्या है, परपेंडिकुलर। और अंदर अभी हमने पढ़ के आए थे, एक स्पेशल सीरीज निकाली थी मैंने जिसमें 1 और 2 मार्कर्स निकाले थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है, तो इस वजह से आपको कोई भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज से फिर से बताया कि यहाँ पे एमिट होगी और ये भी क्या होगी, ये सारी ही आपकी जो लाइंस होगी ये भी आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आई थिंक आपको इस फिगर से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये भी आपको प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी फॉर्म नहीं करती क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप होता है कि आपकी यहाँ से निकली यहाँ पे आई, यहाँ से मतलब आपको मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म आउट नहीं करती। ठीक है, अब क्लोज लूप कौन सी फॉर्म आउट करती है, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो आपको जब मैग्नेटिक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथ वाइज फॉर अनलाइक चार्ज। कहने का मतलब है यदि आपकी जो चार्जेस हैं जिनके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, यदि वो अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी लेंथ वाइज, मतलब वो कम होती चली जाएगी, और वो इस वजह से होगी क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगी और वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट का सिंबलाइज करती है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एग्जर्ट करती है लेटरल प्रेशर और ईच अदर, इट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। अब वही बात है, अभी मैंने आपको जब ड्रॉ करके दिखाया था एक पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में, जब हमारे दोनों ही चार्जेस आपके सेम चार्जेस थे तो वहां पे आपने देखा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई थी। ठीक है, आई होप आप इससे समझ पाएंगे कि यदि सेम चार्जेस आपके बीच हो जाएं तो आपकी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पैरेलल हो जाएगी। देखिए आपको देखेंगे तो आपकी जो लाइंस है ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली इसके कारण आप इधर चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी स्टेप्स हो जाएगी, यहाँ पे भी स्टेप्स हो जाएगी। तो आपकी मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ बता दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और यदि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिए वीडियो। थैंक यू।